एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आप भी गुड इवनिंग कर दो हेलो, सबको। तो गुड इवनिंग। आप बैकग्राउंड से समझ गए होंगे कि हम लोग डोईवाला आ चुके हैं। एक्चुअली नोनो के एग्जाम्स ना 11th में खत्म हो गए थे। 11th में आ गए थे ना हम शाम में, फ्राइडे तो फ्राइडे में हम लोग यहाँ पर आ गए थे। वहां से मैंने बहुत ज्यादा व्लॉग शूट नहीं किए, क्योंकि यार आप लोग के साथ जो मैंने वहां से एक व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने बताया भी था कि आशु को बीच में यहाँ भी आना पड़ रहा है, तो मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी अकेले यार, बच्चों के एग्जाम मैनेज करना, फिर स्कूल छोड़ना लाना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई थी। और साथ में देखिए एमी के थे फाइनल एग्जाम्स, उसको भी मुझे पूरा पूरा टाइम देना था। तो हो जाता है यार कभी कभी ना, हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिर जाते हैं कि चाह के भी ना हम मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो हमें पसंद है। खैर फिलहाल आज जो है ना, मैंने व्लॉग सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। और आज 14 मार्च है, आज बर्थडे है मेरा, और बर्थडे के लिए मैंने ना ये वाला सूट पहना है। देखो शायद मेरे ख्याल से मैंने अपने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक शॉपिंग हॉल में, तो ये सूट बिल्कुल नया मेरा रखा हुआ था। मैंने कहा चलो आज ये वाला सूट पहनते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है बर्थडे वाले दिन, चाहे हम कितने भी साल के हो जाए, छोटे बच्चे ना हो, लेकिन अच्छा लगता है। हर किसी को अपना बर्थडे ना बड़ा स्पेशल सा लगता है, तो सोचा कि आज ना कुछ स्पेशल पहन लेते हैं। तो आज मैंने ये नया वाला कुर्ता सेट पहना है, और बताइए कैसा लग रहा है। वैसे इसका कलर काफी प्यारा है। और यहाँ पे देखो कपड़े जो मैं उतार के लेके आई थी, कुछ कपड़े तो मैंने तय लगा दिए हैं, कुछ कपड़े अभी मुझे तय लगाने हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि बाहर आप लोग को लेके चलती हूँ, थोड़ा सा मौसम वगैरह दिखाती हूँ, बात कर लेती हूँ, क्योंकि इतना मन हो रहा था आप लोगों से बात करने का, मैं बता नहीं सकती। और आज कितना अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से बात करके। कल मैं फ्री हो जाऊंगी, एमी के कल एग्जाम खत्म हो रहे हैं, और छोटा है एमी थोड़ा, तो इसके साथ बहुत ज्यादा मैं बाउंड हो गई थी। देखो मौसम आज का। चलिए अभी कपड़ों की तय लगा लेते हैं, और आज मेरा मंडे का फास्ट भी है, तो आज का जो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा कुछ ग्रैंड नहीं है, क्योंकि एमी के ना एग्जाम्स की वजह से हम लोगों ने बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं रखा, क्योंकि कल भी एमी का एग्जाम है, तो इसलिए आज बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन आशु ने बोला कि ड्यू है तुम्हारी बर्थडे पार्टी, तो फिर हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम खत्म होंगे ना, फिर कहीं आउटिंग में जाएंगे। शाम की चाय, तो शाम की चाय हमारी बन रही है, पता है कितने बजे बन रही है? हमारी चाय बन रही है 5:30 बजे, तो हम लोग चाय पियेंगे, फिर उसके बाद ना मैं लग जाऊंगी शाम के खाने में। तो आज का मेन्यू बहुत ज्यादा स्पेशल तो नहीं है, क्योंकि ऐसे ही है यार, मेरा और मम्मी का तो व्रत है आज। मम्मी का आंवला एकादशी का व्रत है, और मेरा है मंडे वाला फास्ट, तो हम दोनों का तो व्रत का खाना बनेगा, वही सूखे आलू हम लोग बनाएंगे दही के साथ। और आशु और दोनों बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं बनाने वाली हूँ आज मटर पनीर की सब्जी, साथ में चपाती बनाऊंगी। अगर बोल देंगे ना पूरी खानी है, तो मैं पूरी बना दूंगी। है 8:40 का, और देखो अब सारा काम फिनिश हो चुका है, और इस समय बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है मेरी कि केक कट करे, लेकिन बच्चे लगे हुए हैं कि मम्मा केक कटिंग करनी है, और किचन का ना मैंने सारा काम फिनिश कर लिया, क्योंकि आज व्रत भी था, तो खाना खाते ही ना इतनी नींद जैसा फीलिंग हो रही है, इतनी थकान हो रही है कि मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। लेकिन खैर बच्चों की खुशी के लिए चलिए कट करते हैं केक। और ये रहा केक, जो कि बड़ा प्यारा सा है। एमी क्या लाए थे मम्मा के लिए, लेके आओ। जो आप मम्मा के लिए लेके आए थे
तो बस अभी हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं और बहुत ही छोटू सा सेलिब्रेशन है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आशु मेरे लिए ये केक लेके आए और मेरा फेवरेट फ्लेवर भी लेके आए थे, चॉकलेट फ्लेवर। और ये एगलेस केक है इसलिए हम लोग खा रहे हैं क्योंकि मेरा और मम्मी का व्रत था, तो मैंने पहले ही इनको बता दिया था, याद करा दिया था कि आप एगलेस लेके आना केक। तो मैं सबसे पहले, ये एगलेस केक है तो मैं पूजा घर में रखने के लिए गई थी, उसके बाद फिर मैंने सभी को केक खिलाया और इसी के साथ हमारा छोटू सा सेलिब्रेशन हुआ आज बर्थडे का। तो बहुत अच्छा लगता है यार, आपके अपने जब आपको प्यार करते हैं, आपके दिन को स्पेशल बनाते हैं, तो उसके लिए किसी बड़ी सी पार्टी की जरूरत नहीं है, आपको बस प्यार से आपके अपने आपका दिन को स्पेशल कर देना, वही आपके लिए स्पेशल होता है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज मैं मॉर्निंग में आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का और फाइनली आज एमी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। कल एमी का जो है ना वो सेकेंड लास्ट पेपर था और आज आखिरी पेपर था। अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और इस व्लॉग को भी कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि यार रात में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, तो आप लोग के साथ मैंने अपने गिफ्ट्स वगैरह शेयर किए और बहुत अच्छा सा व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि ऐसा ही हो रहा था यार, कल बहुत थकान लग रही थी और जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है ना तो माइंड ना बड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, जितना भी शूट हो रहा है कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मॉर्निंग में आप लोगों से मिलूंगी और एकदम फ्रेश होके आप लोगों से बात करूंगी। तो जस्ट अभी अभी ना मैं शाल लेके आई थी, रूम यहाँ पे थोड़ा बिखरा हुआ था क्योंकि इधर ही अभी का एग्जाम चलता है। तो बस अभी मैं फ्री हुई हूँ, सोचा आप लोगों से बात करती हूँ और आप लोग के साथ ना अपने बर्थडे के जो गिफ्ट्स हैं वो भी शेयर करती हूँ और इस व्लॉग को एंड भी करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मुझे मेरे बर्थडे पे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। भैया का है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आशु ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, आशु ने और बच्चों ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। मम्मी ने तो एज यूजुअल मुझे सगन दिया था, मतलब कि पैसे दिए थे। तो आशु ने मुझे गिफ्ट किया है एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट। इसको पहले मैंने सोचा था कि अपने बर्थडे वाले दिन पहनूंगी, लेकिन क्योंकि एमी के पेपर की वजह से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए इसलिए मैंने इसको वेयर नहीं किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट है। इसके इसमें आशु ने मेरे लिए कुर्ता सेट भी मंगवाया है और वॉच भी है बहुत प्यारी सी, और साथ में ना मैचिंग शूज भी है, क्योंकि ये सब सिलेक्ट किया है मेरे लिए नोनो ने। तो नोनो ने और आशु ने मिलके मेरे लिए शॉपिंग की है जो कि बहुत प्यारी है, आप लोग को भी पसंद आएगी। तो ये कुर्ता सेट सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट है और रेयॉन में है, इसका डिजाइन वगैरह ना काफी अच्छा है देखो, और फैब्रिक ऐसा है ना, ये बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये कुर्ता सेट है और इसका जो पैंट है ना वो है इस तरीके का, दोनों तरफ पॉकेट्स है और ये सैंग्रिया का है क्योंकि नोनो को पता है कि मम्मा सबसे ज्यादा सैंग्रिया के सूट ही पहनती है और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं और फिटिंग बहुत अच्छी आती है इसके सूट्स की। तो ये देखिए ये है कुर्ता सेट, और कुर्ता सेट पकड़े हुए ही सेकंड गिफ्ट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और साथ में आशु ने मेरे लिए मंगाई है ये मास्टन हाबर की वॉच, क्योंकि मुझे वॉच का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे मैचिंग वॉच पहनना काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए ये है मेरी वॉच और बिल्कुल मैचिंग मैचिंग है ना एकदम ड्रेस के साथ। तो अगर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे ना, क्योंकि अभी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि एमी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो किसी दिन आउटिंग के लिए जाएंगे, तो मैं पूरी ड्रेस पहन के आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये रही इसके साथ मैचिंग वॉच, और शूज भी दिखा देती हूँ। तो ये भी मास्टर नाबर के शूज है और अच्छा ब्रांड है यार मास्टर नाबर, इसके प्रोडक्ट काफी अच्छे रहते हैं। ये देखिए एक मिनट मैं इसको यहाँ देती हूँ। तो ये है पूरा गिफ्ट, पूरी ड्रेस है
हेड टू टो तक की आशु की तरफ से। ये रहा मेरा कुर्ता सेट, मेरी वॉच और ये रहे इससे मैचिंग शूज। बताइएगा कि गिफ्ट कैसा लगा आप लोगों को। तो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी मम्मी के गिफ्ट, तो उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया है। और अच्छा लगता है यार, चाहे हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने बर्थडे पे गिफ्ट मिलने की ना सबको होती है कि यार कौन क्या गिफ्ट देने वाला है। और अच्छा लगता है, और मुझे गिफ्ट लेना देना और उनको ओपन करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और आप लोग के साथ शेयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है फर्स्ट सूट, और बहुत ही प्यारा लाइम ग्रीन कलर का सूट है। तो मम्मी ने भी मुझे दो कुर्ता सेट दिए हैं, और मैं हो चुकी हूँ एकदम शॉर्ट कि मुझे आगे होली पे क्या पहनना है, और आगे जो भी फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे तो मेरे पास ये 3-4 कुर्ता सेट्स हो चुके हैं जो कि अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो ये देखिए, ये विशुद्ध का है और ये मैंने अपनी पसंद से ही मंगवा लिया था। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता सेट है, और ये है इसका प्लाजो। तो इसके साथ में ये पैंट प्लाजो है, और ये वाला कलर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में। ऐसे ऐसे कलर्स ना, येलो हो गया, लाइम येलो हो गया, या फिर लाइम ग्रीन हो गया, तो ये लाइम ग्रीन कलर है। इसमें काफी ज्यादा ब्राइट आ रहा है, उतना ज्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत प्यारा सा लाइम ग्रीन कलर है। तो एक कुर्ता सेट ये वाला है, और दूसरा है ये वाला। तो ये रेड कलर का कुर्ता सेट है, ये देखिए ये वाला बहुत ही प्यारा, ये चेक्स का कुर्ता सेट है इस तरीके से। और इसके साथ भी ये है प्लाजो, और इनके साथ ना मैंने दुपट्टे वाले नहीं लिए हैं, क्योंकि मेरे पास दुपट्टे ना ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं, तो दुपट्टे दुपट्टे हो जाते हैं यार फिर सूट्स के साथ में ना। और अगर आपके पास रखे हुए हैं तो उन्हीं को आप मिक्स एंड मैच, मतलब मैच कर लो तो वो अच्छे रहते हैं। तो ये थे मेरे बर्थडे गिफ्ट्स, जो कि मैंने सोचा कि व्लॉग को आगे कंटिन्यू करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग को अच्छी लगती है मेरे साथ जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो सब देखना। तो आई होप मेरे आप बर्थडे का ये छोटा सा व्लॉग और ये हमारी छोटी सी गिफ्ट का हॉल आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, और इसके बाद आने वाला है छोटी होली का व्लॉग। पूरा कोशिश करूँगी कि एक अच्छे से व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और बस बहुत जल्द मिलने आऊँगी आप लोगों से मैं। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।